ये गाना एक्चुअली एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे शूट किया जा रहा है और यहाँ पर मैं पहली बार आयशा से मिलता हूँ. पहले देखा तो है एंड आई हैव काइंड ऑफ इन्फैचुएशन सा शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर पहली बार मुलाकात होती है. इट्स अ क्लब सॉन्ग जैसे आप देख सकते हैं, सो देयर इज अ वेरी नाइट क्लब काइंड ऑफ सेट और इट्स अ रियली स्वीट कैची नंबर जो यू नो यू कैन पिक्चर कि हम रेडियो ऑन करेंगे तो ऐसा गाना ऑन होगा. यू नो एंड ऑल डे ऑन टीवी यू हियर यू नो सॉन्ग्स आर वेरी कैची, वेरी अपबीट एंड लिटिल बिट ऑफ टेक्नो, सो इट्स वेरी कूल. गाना डिस्को में फिल्म आ रहा है और ये साउथ अफ्रीका में है और सिचुएशन ऐसा है कि तुषार 10-15 दिन से आयशा को मिला नहीं है, तो उनको यू नो एक पहली नजर में प्यार हो जाता है उस टाइप का हुआ है और वो काफी मिस कर रहे थे, तो वो इजहार नहीं कर पा रहे कि बाबा ओके मैं आपको मिस कर रहा था, तो वो गा के सिर्फ नॉर्मली कैजुअली गा रहे तो इनडायरेक्टली उनको बता रहे. इसमें हम बता दें तुषार और आयशा पहली बार मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं जो गाने का टेक ऑफ होता है और बेसिकली डिस्को सॉन्ग है, बहुत ही हिप हॉप है ऐसे और इसमें म्यूजिक प्रीतम का है. मेरे किरदार का नाम है अर्जुन इस फिल्म में एंड अर्जुन इज अ वेरी लाइक एनी एलिजिबल बैचलर इन अ बिग सिटी, काफी मतलब कि कैफ्री है लेकिन ही इज अ गुड गाय, ही इज ऑल द गुड क्वालिटी, सारी अच्छे गुण हैं उसमें, सिवाय कि उसे अम्बिशन नहीं है, वो काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास जरूरत नहीं है काम की. सो उसे लगता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहने की क्या जरूरत है, मेरे पास खानदानी पैसा तो है. मेरे कैरेक्टर का नाम काजल है. मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, मेरे मन में सोचती हूँ कि मैं जो भी चाहती हूँ वो कर सकती हूँ लाइफ के साथ, बहुत हार्ड वर्किंग, पढ़ाई भी करती है, काम भी करती है, यू नो हर चीज अपने टर्म्स पे जीना चाहती है लाइफ, दैट्स क्वाइट लाइक माई सेल्फ. और नाम काजल है, वो अपने फैमिली के साथ रहती है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स में अर्जुन है और रेहान है विच इज तुषारन का नाम. ऑब्वियसली लव स्टोरी है, बहुत ही स्वीट सिंपल इमोशनल यंग लव स्टोरी है. इट्स डेफिनेटली रोमांस इज द बैकग्राउंड बट इसमें ह्यूमर है, ड्रामा है, इमोशंस है, बट ड्रामा वो आपको नहीं बोल सकते, यू नो नॉट दोज टिपिकल, बट इमोशंस आर देयर एंड लॉट ऑफ यंग फीलिंग है, एनर्जेटिक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज क्या लव स्टोरी है. हर लव स्टोरी में हम देखते हैं कि म्यूजिक इज ऑलवेज समथिंग दैट यू रियली चेरिश एंड दैट यू लाइक. और एक चीज मैं जानती हूँ कि लव इज समथिंग दैट हर किसी के लाइफ में प्यार हुआ है या होने वाला है या यू नो हो गया है, सो इट समथिंग दैट दे रिलेट विद, सो आई एम श्योर द पीपल रिलेट विद द म्यूजिक अ लॉट. अभी तक तो एक ही गाना रिकॉर्ड किया गया है और हमने दो दिन शूट किया है गाना, सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस सॉन्ग विल वर्क. कितना चलेगा उतना पता नहीं, लेकिन गाना जरूर चलेगा क्योंकि बहुत ही यंग फील है एंड इट्स अ वेरी टेक्नोइश, वेरी यूरो काइंड ऑफ अ फील द सॉन्ग हैज गॉट. एंड इफ यू लाइक हाउस म्यूजिक, इफ यू लाइक टेक्नो म्यूजिक, आई थिंक ऑल यंगस्टर्स विल रिलेट टू दिस सॉन्ग. और द डायरेक्टर्स रियली अ स्वीट हार्ट लवली, जिनके जो फिल्म बना रहे हैं उनकी पहली फिल्म है और मैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब कोई मुझे उनकी पहली फिल्म के लिए यू नो पूछते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, उनके लिए उनका पहला फिल्म सब कुछ होता है और अगर वो आपको उस फिल्म का एक हिस्सा मानना चाहते हैं दैट मीन्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट. सो ही इज रियली रियली टैलेंटेड एंड वो उनके साथ मैं शादी से पहले मैं मिली थी उनको और आई एम श्योर ही विल मेक अ रॉकिंग फिल्म, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड वी विल मेक अ ग्रेट फिल्म. बहुत अच्छे माहौल है बिकॉज इससे पहले भी तुषार और आयशा काफी सीडिंग्स में मिले हैं, स्टोरी नरेशन में मिले हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल है सब लोग क्योंकि पूरी यूनिट यंग है तो कोई ईगो हैसल्स नहीं, कुछ भी नहीं है.
हाँ यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सेट लगाया हुआ है और फिर यहाँ से कट करेंगे, यहाँ का बाहर हम लोग साउथ अफ्रीका में शूट करेंगे जो तुषार आयशा को घर पे छोड़ने जा रहे हैं ना गाड़ी में इस टाइप से। आई होप कि लोगों को लुक अच्छा लगे क्योंकि पहली बार ऐसी फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही सोशल लड़का है जो सारे डिजाइनर कपड़े पहनती है और बैग डिजाइनर है शूज, और जब एक शॉट में मैं इमेजिनेशन में आती हूँ उसमें भी बैग था तो हम हंसने लगे क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिपेंडिंग ऑन द लुक और यू नो ऑब्वियसली इट हैज दैट लॉन्ग स्ट्रेट है बट वेरी सटल मेकअप, और कैरेक्टर मेरे से थोड़ा अलग है, वो बहुत ही सबड्यूड है, बहुत ही यू नो सॉफ्ट कैरेक्टर, ऐसे लाउड वाइब्रेंट नहीं है, तो दैट वे आई थिंक दैट विल ऑटोमेटिकली लुक डिफरेंट। कोशिश की है, बहुत मेहनत की, बट देखते हैं जब फिल्म बन जाएगी आप लोग डिसाइड करेंगे कैसी है क्या है।